हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमेर, आप देख रहे हैं टेक विजेट्स। दोस्तों, एचएमडी ग्लोबल अभी बहुत जल्द प्लान कर रहे हैं एक नया स्मार्टफोन नोकिया का इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये स्मार्टफोन नोकिया 8.1 ही होगा। यहाँ पे दोस्तों अभी कंपनी ने मीडिया इनवाइट्स भी भेज दिया है, जिस मीडिया इनवाइट से पता चला था कि हमें नोकिया 8.1 इंडियन मार्केट में 6 दिसंबर को देखने को मिलेगा। पर दोस्तों कुछ रीजन की वजह से यहाँ पे लॉन्च डेट को 10 दिसंबर को शिफ्ट किया गया है। पर यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म है कि 10 दिसंबर में नोकिया एक नया स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये नोकिया 8.1 होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक एक्साइटिंग बात है कि नोकिया 8.1 बहुत कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 710 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। साथ में दोस्तों इस फोन की कैमरा भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इसी फोन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस क्या होने वाला है और स्मार्टफोन की दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। दोस्तों एचएमडी ग्लोबल ने इंडियन मार्केट में डिसंबर 10 को एक लॉन्च इवेंट होस्ट किया है, जिसके अंदर नोकिया 8.1 वहां पे लॉन्च होगा। नोकिया 8.1 बेसिकली दोस्तों नोकिया X7 का एक रीब्रांडेड वर्जन है, जो कि अभी ग्लोबली कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। अगर दोस्तों हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों हमें नोकिया 8.1 के अंदर 6.18 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और यहां पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon का 710 प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जो कि Qualcomm का एक लेटेस्ट प्रोसेसर है मिड रेंज कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, साथ में स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों डेफिनेटली इस प्रोसेसर की वजह से नोकिया 8.1 की गेमिंग परफॉर्मेंस एंड सीपीयू परफॉर्मेंस काफी तगड़ा होने वाला है। और अगर दोस्तों कैमरा की बात करें तो दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि नोकिया 8.1 की रियर साइड में हमें मिलेगा 12 MP प्लस 13 MP का डुअल रियर कैमरा, और इस फोन की फ्रंट साइड में हमें मिलेगा एक 20 MP का सेल्फी कैमरा। अगर दोस्तों बैटरी की बात किया जाए तो दोस्तों लिस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन के अंदर हमें 3500 mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है, और इस फोन की बॉक्स में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग अडाप्टर भी मिलेगा। तो एक अच्छी बात है कि इस फोन की बॉक्स के अंदर आपको 18 वाट फास्ट चार्जिंग अडाप्टर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से फास्ट चार्जिंग को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों लीक्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि नोकिया 8.1 Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आने वाला है, और ये फोन इंडियन मार्केट में Android 1 प्रोग्राम के साथ लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन 2 RAM एंड स्टोरेज वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। एक होगा 4+64 और एक होने वाला है दोस्तों 6+128 GB वेरिएंट। अगर दोस्तों हम प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों लिस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन की दोस्तों जो 6 GB RAM प्लस 128 GB वेरिएंट होगा, उसका प्राइस दोस्तों इंडियन मार्केट में 23,999 रुपीज़ हो सकता है। और इस स्मार्टफोन की दोस्तों जो 4 GB RAM प्लस 64 GB वेरिएंट है, उसका प्राइस दोस्तों 20,999 रुपीज़ हो सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दोनों प्राइसिंग एक लीक्ड प्राइस है। शायद दोस्तों आगे इस स्मार्टफोन के कंफर्म प्राइसिंग के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं दोस्तों आपको जल्दी से इस चैनल को अपडेट कर दूंगा। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ ये स्मार्टफोन डिसंबर 10 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं, जो कि एक लॉन्च इवेंट होगा नोकिया के थ्रू, और ये भी कंफर्म हो गए। तो देखते हैं दोस्तों डिसंबर 10 को नोकिया ये स्मार्टफोन को एग्जैक्टली किस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है। ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को देख के आपको क्या लगता है नोकिया 8.1 की प्राइसिंग के बारे में, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये था हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों मैं मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो डेफिनेटली दोस्तों नोकिया 8.1 इंडियन मार्केट में एक अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत कमाल का है। साथ में दोस्तों आपको इस फोन के अंदर बहुत अच्छा प्रोसेसर मिला है, जो कि Qualcomm Snapdragon का 710 प्रोसेसर, जो कि Qualcomm Snapdragon 660 से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, और स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल का है। तो देखते हैं दोस्तों नोकिया इसका प्राइसिंग एग्जैक्टली कितना रखता है। अगर दोस्तों इसके बारे में आगे अगर कोई भी अपडेट आता है स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन एंड कन्फर्म प्राइसिंग के बारे में, तो मैं दोस्तों ट्राई करूंगा इस चैनल के ऊपर आपको सबसे पहले अपडेट करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज शेयर कर देना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी इसी टॉपिक के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।